तो भाई लोग द 100 मेन कंपटीशन 2023 का जो मैच नंबर 14 है ना, इस मैच में बर्मिंघम फीनिक्स के सामने है वेल्स फायर। अगर हम यहाँ पर बर्मिंघम फीनिक्स की बात करें तो अभी तक इन्होंने 3 मैच खेला, 2 मैच में तो बारिश आती, मैच कंप्लीट होता नहीं, नो रिजल्ट रहता है, लेकिन जो एक मैच खेला ना उससे हार गए, यानी बर्मिंघम फीनिक्स का अभी तक खाता वाता ना खुला। वहीं दोस्तों वेल्स फायर की बात करें तो इनके साथ ना सब कुछ हो गया, एक मैच जीत भी गए, एक मैच हार भी गए, और बेचारों का एक मैच टाई भी हो गया। तो कह रहे हैं भैया हमारे साथ तो सब कुछ हो रहा है यार, तो ऐसा करते सब कुछ नहीं करते, बस जीतते 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 हैं, क्योंकि बढ़िया परफॉर्मेंस करके देते हैं तभी मजा आएगा। वहीं बर्मिंघम फीनिक्स अपनी पहली जीत तलाश करेगा, लेकिन आपको पता है ना जीतेगा तो कोई एक, एक हारेगा तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, आज की वीडियो में ना हम वही जानेंगे। वैसे अगर हम इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो इससे पहले 2 बार आमना सामना हुआ और दोनों मैच बर्मिंघम फीनिक्स ने वेल्स फायर को बोला बड़ा आया मेरे सामने, फायर वन ने इनको फाड़ दिया, दोनों मैच हरा दिया बर्मिंघम फीनिक्स ने किसको, वेल्स फायर को। तो बर्मिंघम फीनिक्स क्या फिर से कर पाएगा मैदान फतेह, या फिर वेल्स की जो टीम है ना इस बार सच में बनेगी फायर और करेगी पलटवार, लेगी पिछली हार का बदला, चलो जानते हैं। बस उससे पहले भाई के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आपको पता है ना मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी नहीं हूँ, आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूँ, तो भाई का सपोर्ट कर दो यार, करना क्या है कुछ भी नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में चाहे तो मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना द 100 मेंस के अलावा वुमेंस भी चल रही, लंका प्रीमियर लीग चल रही है, सीपीएल भी तो स्टार्ट होने वाला है, इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन कहां पे मिलेगी, मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो जरूर ज्वाइन करो यार। बस एक चीज का ध्यान दें, फेक से बचें, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लेगा, इसलिए इधर उधर और कहीं से ज्वाइन ना करो, जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पे जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करो। तो भाई लोग जो मैच है ना थर्सडे 10 अगस्त इंडिया टाइम अनुसार 11 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हो, यहाँ मुकाबला खेला जाएगा इट बॉस्टन बर्मिंघम के मैदान पे। यहाँ पे इससे पहले द 100 मेंस के 8 मैच खेले गए, जिसमें से 4 मैच में क्या हुआ टारगेट डिफेंड, 4 मैच में क्या हुआ टारगेट चेज, मतलब इस मैदान पे चेज और डिफेंड की जो कहानी है ना वो तो बिल्कुल बराबरी की है। एवरेज स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 162 रन, टारगेट चेज की बात करें 154 के नीचे स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 170 प्लस स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 154 से 170 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना मामला तो बराबरी का आ गया, चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहां का जो सरफेस है ना वो थोड़ा सा ग्रोस है, ग्रोस क्या फ्लैट ही बोलेंगे, क्योंकि शुरू के 5-10 बॉल तेज गेंदबाजों को थोड़ा बहुत स्विंग करती है, नहीं तो उसके बाद जो बॉल होता है ना बैट पे काफी ज्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि यहां के जो कंडीशन है ना वो प्रॉपर बैटिंग कंडीशन है। बाउंड्री लेंथ की बात करते 63 मीटर से 76 मीटर की ठीक ठाक बाउंड्री है, लेकिन यहाँ का पिच बैटिंग के लिए इतना ज्यादा बेहतर कि स्पिनर्स गेंदबाजों को कुछ विकेट तो मिल जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ना उनकी भी पिटाई चलती रहती है, इसलिए यहाँ पे जो मैच होते हैं ना वो थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मैच होते हैं। अगर हम आज के मैच में पावर प्ले स्कोर की बात करें तो आपको 42 से 47 के बीच में देखने को मिल सकता है, बात करें अगर हम यहाँ पे 100 बॉल स्कोर की तो 155 से 170 के बीच में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो बर्मिंघम फीनिक्स ने अपने घर में 8 मैच खेला, जिसमें से 6 मैच जीते, बस 2 मैच हारे थे, यानी बर्मिंघम फीनिक्स की जो टीम है अपने घर में जबरदस्त परफॉर्मेंस करती है। वेल्स फायर की बात करते 1 मैच खेला हार गया, और ये जो मैच था बर्मिंघम से ही खेला, तो फायर नहीं बन पाता किसके, बर्मिंघम के सामने, यानी बर्मिंघम फीनिक्स पहले भी अपने घर में वेल्स को पीट चुका है, तो आज के मैच में क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बर्मिंघम फीनिक्स के, अगर उनके खेमे में चेंजेस की बात करें तो क्रिस वोक्स अवेलेबल होंगे, तो बस यही एक चेंज होगा, बाकी की जो टीम है बिल्कुल सेम रहने वाले। अगर उनकी बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी तो नाम देख के लगेगा कि क्या कमाल के बल्लेबाजी लाइन अप है इनकी, बिल स्मिथ बेन डकेट ओपन करने आते हैं, दोनों कमाल के बल्लेबाज है। तीसरे नंबर पर मोइन अली है, आपको पता ये भी जबरदस्त ऑलराउंडर है। चौथे नंबर पर लियाम लिविंगस्टन जो कि T20 के खतरनाक बल्लेबाज है। पांचवें नंबर की बात करें तो यहाँ पे जैमी स्मिथ जो कि अभी T20 ब्लास्ट में बढ़िया परफॉर्मेंस करके आया। छठवें नंबर पर डैन माउसली की बात करें तो कमाल के ऑलराउंडर है। सातवें नंबर की बात करें तो आपको यहाँ पे सदाब खान दिखेंगे, सदाब खान जो प्रॉपर बल्लेबाजी के साथ साथ प्रॉपर गेंदबाजी करते हैं। आठवें नंबर की बात करें बेनी ओवेल की बात करें तो ये भी कमाल के ऑलराउंडर है। अगर क्रिस वोक आ जाता है तो 9 नंबर तक का इनकी बल्लेबाजी दिख रही है, और सारे बल्लेबाज कमाल के। बेन डेकेट काफी गजब की फॉर्म में, लियाम भी फॉर्म में, हाँ मोइन का जो थोड़ा सा फॉर्म है ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन बिल स्मिथ की बात करें ये भी काफी गजब की फॉर्म में। तो भाई साहब जो बल्लेबाजी है ना वो काफी ज्यादा जबरदस्त है, हालांकि पहले मैच में टाइम फिश हो गए थे, लेकिन हर मैच में ये ना हो गया कहता है मैच, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी काफी ज्यादा खतरनाक है। 2-3 बल्लेबाज चले ना तो वहीं पे मैच खत्म हो जाएगा। बाकी गेंदबाजी की बात करें तो इनकी गेंदबाजी भी काफी ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि इनके पास है केन रिचर्डसन जो कि काफी ज्यादा किफायती रहते हैं, विकेट भी निकालते हैं। एडम मिलने की बात करें तो हमेशा 100 में बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, इस बार भी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। क्रिस वोक्स के आने के बाद इनकी गेंदबाजी लाइनअप तो आपको पता है ना और भी ज्यादा सॉलिड नजर आएगी। बाकी बेनी होवेल जो मतलब बेरेसन के साथ गेंदबाजी करते हैं ना वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। सदाब खान की बात करें तो सदाब हमेशा टॉप की स्पिन गेंदबाजी करते हैं, मतलब इनको रन हो
सकता है थोड़ा सा पड़ जाए, लेकिन विकेट हमेशा निकाल के देते हैं। बाकी जरूरत पड़ने पे डैन माउसली है इनके पास, जो कि मतलब ठीक ठाक गेंदबाजी करके जाते हैं। मोइन अली भाई साहब हैं जो बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। लियाम मतलब सात, मतलब नौ नंबर के बल्लेबाजी के बाद सात आठ गेंदबाजी का ऑप्शन, भैया क्या टीम बनाई है भैया? ऐसी टीम बनाओगे तो सामने वाले बोलेंगे ना ये तो चीटिंग है, हम 11 प्लेयर के साथ खेलते हैं, आप 15 प्लेयर के साथ खेल लो। हो गए ना भैया नौ नंबर तक बल्लेबाजी, आठ गेंदबाजी ऑप्शन, तो नौ आठ सत्रह, सत्रह प्लेयर हो गए इनके पास, तो भैया ये तो चीटिंग है ना। तो भैया जो बर्मिंघम फिनिक्स की टीम है ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। मुझे सो विल्स फायर की बात करें तो विल्स फायर के खेमे में भी शायद जोनी जोनी एस बाबा आज आ ही जाएंगे। बहुत हो गया इंतजार, जोनी बस्टो आज की मैच में खेलते नजर आएंगे। बाकी अगर हम इनकी टीम की बात करें तो सेम रहने वाली है। अगर हम यहाँ पे लुक विल्स की बात करें तो जो टी20 डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करी थी यानी टी20 ब्लास्ट में ना, सेम परफॉर्मेंस यहाँ पे भी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ चौके छक्के लगा रहे हैं द 100 में। और जो एक लाख का बल्ला नहीं चल रहा था लेकिन पिछले मैच में वो भी फॉर्म में आ गए। और जोनी जोनी यस बाबा आएंगे जो कि काफ़ी गजब की फॉर्म में, तो इनके जो शुरुआत की बल्लेबाजी है ना वो बिल्कुल खतरनाक सी दिख रही है। स्टीव स्केंजी की बात करते ये भी मतलब ठीक है, थोड़ा सा एवरेज परफॉर्मेंस करें ना, बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा खराब। लेकिन कप्तान टॉम एवल की बात करें तो मुझे समझ में नहीं आता इन भाई साहब को कप्तान क्यों बनाया गया। अभी तक तीन मैच हो गए, किसी मैच में ना तो बल्ले से कुछ कर पाए ना तो गेंदबाजी करते हैं पता नहीं। तो मतलब टॉम एवल कप्तान सिर्फ कप्तानी कर रहे हैं और बाकी कुछ तो कर ना पा रहे हैं। लेकिन ग्लेन फिलिप्स की बात करें तो इन्होंने अभी तक ठीक ठाक बल्लेबाजी करी है, कमाल के फॉर्म में और कमाल का बैटर है भी ग्लेन फिलिप्स। बेन ग्रीन की बात करें तो पहले दो मैच में इनको तो किसी चीज़ में मौका ना दिया गया, उसके बाद जब मौका मिला बल्लेबाजी में मौका दिया तो बल्लेबाजी में लौंडे ने बढ़िया बल्लेबाजी करी और गेंदबाजी भी बढ़िया करके दिखाई, किसने? बेन ग्रीन ने। उसके बाद रिवॉल्फ वंडर मैरो, रिवॉल्फ वंडर मैरो की बात करें तो ये हमेशा गेंदबाजी बढ़िया करके देते हैं, मतलब एक दो ओवर में एक आधा विकेट निकाल लेंगे, किफायती रहेंगे, जरूरत पड़ने पर थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो वेल्स फायर की टीम कह रही है कि भैया हम भी ना इस बारी आठ नंबर तक का बल्लेबाजी के साथ खेलें और अपनी भी बल्लेबाजी जो लाइनअप है ना बिल्कुल सॉलिड है। बाकी गेंदबाजी की बात करें, गेंदबाजी की बात करने से पहले मैं बता दूं मैंने यार डेविड विली के बारे में बात किया ना, जो आपको सबको पता है डेविड विली भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो इनकी भी बल्लेबाजी सात आठ नंबर तक है। बाकी गेंदबाजी की बात करें तो भाई साहब जो इनकी गेंदबाजी है ना जबरदस्त चल रही है, क्योंकि साइंस ऑफ रेदी पहले ओवर में यार विकेट चढ़का के चले जाते हैं, उसके बाद मिडिल में भी आते हैं बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, डेथ में तो कमाल के गेंदबाजी करते हैं। हारिस रॉफ की बात करें, हारिस रॉफ आपको एक दो छक्के ज्यादा दे देंगे लेकिन विकेट के पीछे जाते हैं, क्योंकि जब विकेट लेने जाते हैं तो उनमें छक्के पड़ते हैं, तो हारिस रॉफ डेथ में बढ़िया गेंदबाजी करते हैं और थोड़ा सा मिडिल में रन पिट सकते हैं हारिस रॉफ को, क्योंकि इतनी तेज गेंदबाजी करते हैं, एक आता एज लग गया, एक आता टाइमिंग हो गई, रन तो पड़ गया लेकिन विकेट हमेशा निकाल के देते हैं। बाकी डेविड पियान की बात करते हैं, ये थोड़ा सा एवरेज गेंदबाजी करते हैं, कभी चलते कभी नहीं चलते। डेविड विली की बात करें तो न्यू बॉल से बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, हालांकि डेथ में उतनी जबरदस्त गेंदबाजी नहीं कर पाते, लेकिन जिस तरह से पिछले मैच में रिवॉल्फ वंडर मैनो ने स्पिन गेंदबाजी करी बढ़िया जबरदस्त किफायती रहे, विकेट निकाले, बेन ग्रीन ने जबरदस्त गेंदबाजी करी, तो इनकी गेंदबाजी के भी छह सात ऑप्शन बन रहे हैं जिसमें से तीन चार ऑप्शन यानी तीन चार गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। तो विल्स फायर इस बारे जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जैसे कि पिछले मैच में 139 139 का टारगेट था, फिर भी किसी तरह टाई करवा लिया, एक टाइम पे मैच जीत ही गए थे, बस एक दो छक्के ज्यादा लग गए नहीं तो ये मैच निकाल लिया था। तो इस बारी जो विल्स फायर की गेंदबाजी है ना वो काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है। वहीं अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट सिक्स मैच के बिहाफ पे कंपेरिजन करें तो बर्मिंघम फिनिक्स ने अपने लास्ट के सिक्स मैच में तीन मैच जीते, तीन मैच हारे, मतलब एक जीत रहे एक हार रहे। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 133 133 रन होगा, जिसे ना बहुत ज़्यादा अच्छा कहेंगे ना बहुत ज़्यादा खराब कहेंगे। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 10.23 जो गेंदबाजी एवरेज होता है ना ये भी ठीक ठाक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा खराब है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें विल्स फायर की, इन्होंने अपने लास्ट के सिक्स मैच में बस दो मैच जीते, चार मैच हारे, मतलब जो इनकी दुर्दशा थी पिछले सीजन काफ़ी ज़्यादा खराब थी। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 133 133 रन होगा, तो हम ना बहुत अच्छा कहेंगे ना बहुत खराब कहेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 10.21 ये भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा खराब है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों में रिजल्ट की बात करें तो बर्मिंघम फिनिक्स बिल्कुल थोड़ा सा आगे नजर आ रही है विल्स फायर से रिजल्ट में, लेकिन बल्लेबाजी एवरेज की बात कर लो या गेंदबाजी एवरेज की बात कर लो दोनों ही टीमें बिल्कुल बराबरी पे नजर आ रही। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम है जो मैच उड़ा के ले जाएगी जीतेगी, चलो जानते हैं। लेकिन उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है ना मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आपको भी पता मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूं, आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें, करना क्या कुछ भी नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं ना। तो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद अगर हम इस मैच की बात करें, जो मैच है ना वो 60-40 का, 60 बर्मिंघम फिनिक्स एंड 40 वेल्स फायर। तो अगर आप यहाँ पे चाहें जो मजबूत टीम है बर्मिंघम फिनिक्स उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना वेल्स फायर अपने नाम पे कर सकता है। देखो इसमें थोड़ा सा रिस्क है, अगर आप ले सकते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना वेल्स फायर अपने नाम पे कर सकता है। बाकी मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको पता ना 100 मेंस के अलावा 100 वुमेंस भी चल रही, लंका प्रीमियर लीग चल रही और CPL भी तो स्टार्ट होने वाला है, तो इन सभी मैचों की तो जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन है ना वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो जरूर ज्वाइन करें। बस एक ही चीज़ का ध्यान दें, फेक से
बचें, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना ली गई, इसलिए इधर उधर और कैसे ज्वाइन नहीं करना, जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहाँ पे जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।